करें लॉ लाने की जरूरत है। मैं जिस दिन गवर्नमेंट में आऊंगा फर्स्ट लॉ होगा 3 महीने के अंदर और एक एक दो पोल 3 पोल के अलावा सीसीटीवी कैमरा में नजर 2-3 पोल के हर पदाधिकारी माफिया घर के आगे और मैंडेटरी करूंगा हर बाजार में दुकानदार को 1 से 2 कैमरा लगाने के लिए 4 महीने तक उसकी वैलिडिटी होगी। गवर्नमेंट चाहेगा चाहे वो बैकवर्ड फॉरवर्ड का दंगा हो जात का दंगा हो चाहे दलित को नॉन दलित का दंगा हो चाहे हिंदू मुसलमान का दंगा हो चाहे अपराधी हो लॉ लाएंगे कि उस परिवार को जिसके हाथ में पत्थर और जो ऐसे चीजों में इन्वॉल्व होगा सरकारी सारी सुविधा हम छीन लेंगे। ये मेरा लॉ है जो इंसानियत के लिए दुश्मन होगा उसको ना तो बिजली ना तो पानी ना तो बैंक ना तो जनप्रतिनिधि मौत से बदतर बना देंगे उस फैमिली को जो नेता भी। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के बरही गांव में पिछले दिनों 2 सामुदायिक के बीच आपसी सौहार्द बाहरी लोगों एवं एक उन्मादी दल द्वारा बिगड़ गया था, जिसको लेकर आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ एकता और अखंडता कायम करने के लिए बरही गाँव पहुँचे, जहाँ उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों से बात करके उन्होंने अपील किया कि हम आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं जो हमारे देश की एकता और अखंडता उसको कायम कीजिए। आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर एक परिवार की लड़ाई को धार्मिक शक्ल देना गलत है, लड़ने से समाज का ही नुकसान होता है। उन्मादी भाग जाते हैं और बेकसूर को पुलिस तंत्र पकड़ना शुरू करती है जो कि गलत है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो उन्मादी हैं उनको बक्सा ना जाए और जो बेकसूर हैं उनको अविलंब बिना शक छोड़ा जाए। मैं इस दंगे की SIT जांच की मांग करता हूं और पटना जाकर DGP से भी बात करूंगा। उसके बाद दरभंगा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान के समक्ष जिन दुकानदारों का और मकान क्षतिग्रस्त हुआ था सबको पार्टी की ओर से 10-10 हज़ार का आर्थिक सहायता किया गया ताकि फिर से वो अपना व्यापार शुरू कर सकें। आगे की देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अच्छे तरीके से कोशिश की। मेरा सिर्फ मानना यह है प्रशासन यदि सतर्क होते तो निश्चित रूप से यह घटना आगे नहीं बढ़ती। प्रशासन ने इनको हल्के रूप में लिया, थाने स्तर पर लिया और बाद में जब घटना बड़ी होती गई तब प्रशासन ने गंभीरता से लिया जो बिल्कुल ही गलत है। मैं बच्चे के सामने दिखा के कहता हूं उसकी लाइफ वीडियो कैमरा में जिस दिन आएगा आजीवन वो इस बिहार में नहीं रह पाएगा। उसकी हम नागरिकता छीन लेंगे, बूथ लिस्ट से नाम हटा देंगे। ये बिहार सरकार ये किसी भी स्टेट का पावर है। ये वो लोग करते हैं जिसको जिसकी दुकान बंद हो जाती है मर्री करने के लिए, ऐसे लोग दंगा ऐसे हिंदू मुसलमान करते हैं। ये आप समझ लीजिए डर खत्म हो गई। जिस दिन जिंदगी का जीने का डर हो जाएगा ना उस दिन घर से नहीं निकलेगा। गोली मारने की जरूरत नहीं है, एक इकबाल की जरूरत, एक डर की जरूरत। और ये सरकार 15 सालों में कुछ कर तो सकी नहीं देश में दुनिया में। जेब में 1 रुपया नहीं है किसी के पास, 100 रुपया किसी के पास नहीं है,